मॉर्निंग मुंबई, वेरी गुड मॉर्निंग। देखो आवाज हमारे साथ है दिलीप बुलानी और राजेश भाई। आज संडे है, आज हम लोग जा रहे हैं मढ़ में। वहाँ जाएंगे, किल्लेश्वर मंदिर देखेंगे, अगर खुला रहेगा तो अंदर से भी देखेंगे, और वहाँ से वर्सोवा दर्शन या मुंबई दर्शन कैसे होता है वो भी आपको दिखाएंगे। थैंक यू, आपने बहुत प्यार दिया आनंद एंड भवानी ब्लॉग को। हम चाहते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही प्यार देते रहिए। गांव में एंटर कर दिए हैं, ये गांव से होते हुए हम लोग जाएंगे। ये लेफ्ट में प्रेम सदन है। अच्छा, और प्रेम सदन ये एक आश्रम है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ रहती है, और आपको कभी भी डोनेशन करना है, लड़कियों का बर्थडे करना है, तो आप यहाँ पे आके कर सकते हो। और प्रेम सदन में करीब करीब 100 से 110 लड़कियाँ हैं, छोटी छोटी लड़कियाँ हैं जो जिनके माँ बाप पाल नहीं सकते, यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। हम लोग, ओहो क्या व्यू है यहाँ से, देखिए ये मंदिर है, आपको बाहर निकल के फिर बताएंगे। दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गए हैं किल्लेश्वर महादेव मंदिर। आपको किल्लेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। कल का दिन अभी परसों शिवरात्रि भी है, तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम सब शिव भक्त हैं, हम हर हर शिवरात्रि के 2 दिन पहले यहाँ दर्शन करने आ जाते हैं। श्री मुक्तेश्वर किल्लेश्वर महादेव मंदिर का, ओहो सुबह सुबह लोग यहाँ घूमने भी आते हैं और शाम को भी आते हैं घूमने। हम लोग यहाँ थोड़ा टॉप व्यू पे आए हुए हैं, देखिए यहाँ से चढ़ रहे हैं, ये पहाड़ का व्यू है थोड़ा सा। राजू भाई और हमारे सब पहलवान लोग चढ़ते हुए, ये ब्रिटिश के पहले का है, ये नहीं बनवाया ब्रिटिश का है, ब्रिटिश ने बनवाया। ये देखिए किल्लेश्वर महादेव का मंदिर है, इसके ऊपर ये नाम इसलिए हुआ है शंकर भगवान के मंदिर का नाम, क्योंकि यहाँ पहले किला था ब्रिटिश, और इंडिया का था, नाम ब्रिटिश ने दिया। हाँ, इसलिए देखिए ये मंदिर के पीछे आपको अभी पूरा फोर्ट का बाउंड्री दिख रहा है। अभी यहाँ जाना अलाउ नहीं है आपको, ये मैं पूरा व्यू दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये व्यू, ये देखिए पूरा वर्षा डेकोरेट करके, अच्छा लाइट वाइट, मजा आ गया। क्योंकि देखो एक ट्रैकिंग हो गई सुबह सुबह, हमको पता नहीं था कि यहाँ मज़ा आएगा, और बस बहुत मज़ा आ रहा है। आदमी नहीं खरीद सकते हो, बाकी प्यार नहीं पा सकते। वेरी वेल सेड भवानी ने सही कहा कि दोस्त लोग हैं ना, दोस्ती के साथ ही मिलते हैं। दोस्ती एक जज्बा रहता है जो एक दूसरे से बिना मतलब जोड़ा रहता है, और ये हमारे भवानी की दोस्ती तो बहुत पुरानी है, जग जाहिर है। इसके लिए इसलिए हमने ब्लॉग बनाया आनंद भवानी ब्लॉग, हमारे इस वेंचर को। दिलीप भी हमारे बहुत पुराने हैं और अच्छे दोस्त हैं। हमारे इस वेंचर को खरीदने के लिए बहुत से फाइनेंसर खड़े हैं, लेकिन अभी हम लोग बेच नहीं रहे हैं, आगे देखते हैं। एक दिन तुम झुकोगे दिलीप, तू ले करके ध्यान रखना। एक्चुअली मुझे फॉक्स एंटरटेनमेंट और रेड चिली से भी ऑफर आ रहे हैं, लेकिन ये मज नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। अभी फिलहाल हमारे चैनल को बड़ा बनने दीजिए, लिस्टिंग का काम होगा, और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए। सुबह के तकरीबन 8:30 बज गए हैं, और देखिए एक बात है, ये सब व्लॉग हम अपने दोस्तों के लिए बनाते हैं जो हमारा व्लॉग एंजॉय भी करते हैं और हमको आशीर्वाद भी देते हैं कि आप ऐसे ही व्लॉग बनाते रहिए। सिंधी तो सिंधी है ना, इसलिए तो बोलते हैं।
बहुत मजा कर रहे हैं अभी यहाँ से आपको दिखा रहे हैं। अभी बोट लेने की कोशिश करने वाले हैं लेकिन क्यों, क्या हुआ भवानी? हमारा वोटिंग कार्ड का सब मांगता वो लोग का। अच्छा, कपिलेश्वर महादेव मंदिर में यहाँ बहुत से पिक्चर की शूटिंग भी हुई है। अभी एक कोई वेब सीरीज की शूटिंग भी हुई है यहाँ। सात्विक दर्शन करने के लिए आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। ओम नमः शिवाय। अद्भुत दर्शन रहा हमारा और शांति है। अभी थोड़ा सा हम यहाँ मेडिटेशन करेंगे, स्टार्ट कर दिया है। कपिलेश्वर महादेव मंदिर से दर्शन करके, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से दर्शन करके अब निकल रहे हैं और अभी हम जाएंगे वर्सोवा जाने के लिए और वो आपको फेरी का आनंद लेंगे, आनंद लेने की कोशिश करेंगे। उधर ये सब भाई लोग का अड्डा चलता है। ये सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास मज़ा आ गया, सेकंड क्लास की है। सिंगल हो रहे, वहाँ से टिकट वहाँ मिलेगा क्या? इधर ही मिलेगा। अच्छा, इधर से आते वक्त देना पड़ेगा 5 रुपये, एक एक साइड का फेयर है यहाँ से। हमारा वर्सोवा जाने का प्रोग्राम हो गया, यहाँ कोई कारण से मतलब नो फोटोग्राफी जोन था, इसलिए हम लोग को कैमरा ऑन करने नहीं मिला, इसलिए आपको दिखा नहीं पाए। लेकिन ओवरऑल थोड़ा बहुत व्यू तो दिख गया होगा साइड से आपको। और कैसा लगा, मज़ा आ रहा है कि नहीं भवानी? बहुत बढ़िया। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छा आनंद आ गया। मलाड में भी छोटे छोटे गाँव है, हमको समझ आया लोग यहाँ से वहाँ बाय बोट कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा डिस्टेंस है लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो ब्रिज बनने के लिए या उसके लिए ऑब्जेक्शन में रहते हैं, क्योंकि वो लोग अपने गांव और उसकी नीति को छोड़ना नहीं चाहते। वो तो उनका सोचना है कि हमारा गांव आज भी गांव ही जैसा रहे। चलो, ये उनकी अपनी अपनी बात है भाई, लेकिन आज का संडे बहुत मज़ा आया और उनके गाँव में आके हम लोगों ने भी बहुत मज़ा लिया, बहुत इन्जॉय किया है। आज हम लोग अभी यहाँ अपना ब्लॉग ख़त्म कर रहे हैं। हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप और लोगों को जोड़िए। हमारी श्रृंखला है, ये श्रृंखला को आगे से आगे बढ़ाइए ताकि हम आपको आगे से आगे और अच्छे 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 वीडियो आपको और अच्छे अच्छे जगहों का एक्सप्लोर करके आपको बताएँ, देश और विदेश दोनों की हम आपको बताएँगे। यस, डेफिनेटली अभी हमने स्टार्ट कर दिया है और ये आज कपिलेश्वर महादेव मंदिर और ये मढ़ जट्टी सब आपको बताए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हर हर महादेव, हर हर, 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 हर महादेव। बाय 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 बाय।